अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जबार रजा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हमद व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे। मैं इस वक्त एरीज़ वालों को बताने के लिए जा रहा हूं कि आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। ये हफ़्ता जो कि 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक चलेगा, ये नए साल की आमद है और परवरदिगार से मुल्तमी से दुआ हूँ, ढेरों दुआएँ आपके लिए कि आपका अगला साल जो है वो बेहतरीन गुजरे। स्यारगान हमेशा आते और जाते हैं, जैसे दिन जो है वो तुलू होता है, अरूज पे जाता है, जवाल होता है और उसके बाद शाम और फिर रात आ जाती है, और ये रात भी हमेशा नहीं रहती, एक पूरा साइकिल है जिसके बाद फिर से दोबारा दिन जो है वो तुलू हो जाता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे प्लस और माइनस डेली बेसिस पे आ रहे होते हैं और उनकी कुछ ख़ास वजूहात होती हैं। अक्सर लोग मैंने देखा कि वो डेस्परेट होते हैं कि आप हमें अच्छी खबरें क्यों नहीं बता रहे। देखें, परवरदिगार करे कि आपकी प्लैनेटरी पोजीशन अगले साल बेहतरीन रहे और मैं आपको अच्छी खबरें सुना सकूं, लेकिन ये खबरें जो मेरे पास आ रही होती हैं, मैं इसको सदाए कवाकिब कहता हूं, तो मुझे वही बताना है जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस वक्त सबसे जो अहम चीज़ है वो आपकी पर्सनैलिटी है, आपका अपना रूलिंग प्लैनेट मार्स है। मार्स आपके जायचे के 8वें मौजूद था, थोड़ा सा प्रॉब्लम, लेकिन चूंकि अपने घर में मौजूद था लिहाजा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रहा था। 3 जनवरी को तकरीबन दोपहर के बाद, तकरीबन कोई 2:37 के बाद जो है ये आपके जायचे के नामे बुझ कॉस में चले जाएगा। दो बहुत अहम चीज़ें होंगी, एक तो ये कि यहाँ से ये तसलीस की नज़र से आपके असेंडेंट को देखेगा, ताले को देखेगा। तसलीस की नज़र स्यारगान की नज़रात में सबसे अहम और मुस्बत नज़र जो है वो मानी जाती है, तो ये आपकी पर्सनालिटी पे पहले से भी ज़्यादा अच्छे असरात जो है वो मुरतब करेगा। और सबसे अहम चीज़, आपके जो बैरून मुल्क सफ़र हैं वो ओपन कर देगा। पर्सनालिटी में आपको एक बड़ी अच्छी फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो आएंगी, करेज मिलेगी आपको काम नए करने की, स्परिचुअलिज़म की तरफ आपकी तवज्जो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सुसालीज़ो करब के साथ तल्लुकात बढ़ेंगे, आप चैरिटी की तरफ आपका मूव जो है वो बढ़ेगा। चूँकि मैंने पिछली बार कहा था कि आपका मार्स इस पोजीशन में है कि आप अपने के साथ साथ दूसरों की मदद करने की पोजीशन में भी हैं, तो अभी भी वो पोजीशन पहले से कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी स्ट्रॉन्ग हो रही है और आपके ये मामला भी बेहतरी की तरफ जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे। विरासती मामला वो आपके हल होते नज़र आ रहे हैं। अगर आपके कोई काम रुके हुए थे, स्पेशली अगर ओवरसीज़ के हवाले से आपके कोई मामला रुके हुए थे, जैसे कि मैं जुपिटर के अबूत में जाने की वजह से कह रहा था कि अभी आपके लिए टाइम बेहतर नहीं है अप्लाई करने के लिए, लेकिन अब मार्स जो है वो आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ सन आपका जो है वो जुपिटर के बिल्कुल करीब होने की वजह से जुपिटर को गुरूब कर चुका है, तो ये आपके लिए एक और आइडियल जो है वो प्लेसमेंट बन गई। परवरदिगार की तरफ से दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो मदद आ गई आपके लिए और आप जो है वो बेहतर पोजीशन में चले गए। आपके तलुका जो सुसाली जो कारब के साथ कुछ ख़राब होते नज़र आ रहे थे, अब वो फिर जो है वो काफ़ी टाइम के लिए जो है वो सस्टेन हो जाएंगे और बैलेंस होके आपको बेहतरी की तरफ ले चलेंगे। ये सिलसिला अभी काफ़ी हफ्ते जो है वो चलेगा इंशाल्लाह, और जब भी मार्स नामे पार्ट में आता है तो ये आपको कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी की तरफ लेके चलता है। सुसाली वरब के साथ तल्लुत आपके बेहतर करता है। स्पेशलाइजेशन अगर आप करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं और इस हवाले से अगर आप स्टडीज़ के लिए वीज़ा वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, तो बड़ा ही आइडियल टाइम आपके लिए जो है वो बन चुका है। इसी तरह यहाँ पर ये भी बताता चलूँ, वीज़े की नौीयतें होती हैं, आप किस नौीयत का वीज़ा जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप एक एम्बेसी में अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले पूछते हैं, या आप डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी के लिए पूछा जाता है कि आपको किस सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर जो है वो जाना है, डॉक्यूमेंटेशन भी उसी हिसाब से तैयार होते हैं। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी आप कहते हैं इमिग्रेशन अप्लाई ना करें और कहते हैं जी वीज़ा अप्लाई कर लें, ये क्या है? तो वो सिर्फ आपकी कम इल्मी है। इमिग्रेशन का मतलब होता है कि आप परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जा रहे हैं। परमानेंट रेजिडेंसी के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स और होती हैं। इसी तरह जायचे का जो नामा घर होता है ये आपके बैरून मुल्क सफ़र से रिलेट करता है, और जो आपका जायचे का 12वां घर होता है ये मुस्तकिल क़याम को हम कहते हैं, या आप सफ़र कर ले वहाँ पे जाके आपकी कंडीशन क्या बनेगी, ये चीज़ें यहाँ से रिलेट करती हैं। तो आपकी जो पोजिशन बहुत अच्छी, मूवमेंट के हवाले से सफ़र आप कर सकेंगे, स्पेशली वो लोग जो कि उमरा की सआदत हासिल करना चाहते हैं या ज़ियारत मुकद्दसा पे जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा ही आइडियल टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है।
आपकी माली पोजीशन बहुत अच्छी, वीनस आपके जायचे के 11वें रहते हुए आपकी ख्वाहिशात की तकमील का बायस बन रहा है और आपकी माली पोजीशन को डे बाई डे जो है वो स्ट्रॉन्ग करता चला जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपने ग्रहण का सदका ज़रूर दे लिया होगा। ग्रहण की हवाले से वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह ओवर 1 मिलियन उसको देख चुके, आप भी यकीनन उससे मुस्तफीद हो चुके होंगे। ऐसी कोई भी चीज़ आपके पास आए तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कर लिया करें। तो माली पोजीशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती नज़र आ रही है। आपके लिए इस वक्त 2 स्टोन जो हैं वो बहुत ही फेवरेबल रहेंगे। एक आप मरजान पहने, याकूत पहने या सुर्ख अकीक पहने, तीनों आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इसके अलावा अगर आप सफ़ेद पुखराज पहनते हैं या ब्लू टोपाज पहनते हैं या डायमंड वेयर करते हैं तो ये भी आपके लिए इस वक्त बहुत ही अच्छी जो है वो रिज़ल्ट आपको दे सकेंगे। जेमस्टोन के हवाले से आप हमारी जो वेबसाइट है javagems.com उसको विज़िट कर सकते हैं। और अब हमारी डेली प्रमोशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि हमारे व्हाट्सएप पे जो लोग हमें ज्वाइन कर चुके हुए हैं हमारे स्टेटस पे या जो जिन्होंने अपने नंबर्स ऐड करवा दिए हुए हैं उन तमाम तक वो प्रमोशन जो है वो जानी शुरू। डेली बेसिस पे हम आपके लिए कुछ नया, कुछ आपकी फेवरेबल जो है ऑफर जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। समाजी ताल्लुकात आपके अच्छी पोजीशन में, 29 को मैंने बताया था कि मरकरी नेगेटिव पोजीशन में, 29 को ये जो है वो चेंज करके तो आपके जायचे के 10वें आ जाएगा। तो ये हफ्ता जब स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह मार्स मरकरी जो है वो चेंज होकर आपके कैरियर के घर में आ चुका। अब आपको बहुत सारे सफ़र जो हैं वो अपने कारोबार के हवाले से जो है वो इख्तियार करने पड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बताता चलूँ कि आपके कैरियर के घर में इस वक्त इज्तमाई सियारगान है, सन है, मरकरी है, जुपिटर है, सैटर्न है, केतु है, प्लूटो है। तो जल्दबाजी में आपने नहीं कोई फैसला करना क्योंकि मरकरी आपका जो है अभी गुरूब की हालत में होगा और चूँकि सन से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी है तो ये जैसे जैसे सन के करीब होता चलेगा गुरूब हो जाता चला जाएगा। तो कारोबारी वाले से आपको सफ़र तो करने पड़ सकते हैं लेकिन ये आपके लिए उतने फ्रूटफुल नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके लिए उतने ही फ़ायदेमंद हो जितना कि आप सोच रहे हैं तो फिर आधा किलो मूंग साबत का सदका जो है वो आपने देना है हर बुध को। अगर पहले देना चाहें, स्पेशल ज़रूरत है तो आप जो है पहले भी दे सकते हैं और अगर बुध तक का इंतज़ार कर सकते हैं तो बुध वाले दिन दीजिए। ये सदका अगले काफ़ी टाइम आपको देना चाहिए इंशाल्लाह, अनटिल के मैं आपको बता दूँ जैसे ही मरकरी ग्रुप की आदत से गुजरेगा तो मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में इन्फॉर्म करूंगा कि ये सदका देने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा स्पेशली कहूंगा दुआ रद्द नुसरत सियारगान पढ़ें, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इतमाए सियारगान आपके कैरियर के घर में है। सन यहाँ पे नेगेटिव है और ऑलरेडी वो तमाम तकरीबन आलमोस्ट सैटर्न वहाँ मौजूद है, जुपिटर मौजूद है, मरकरी मौजूद है, इन तमाम को जो है वो दबाए हुए है। तो ज़रूरी होगा कि आप जो है इसको बेहतर तरीके से लेके चलें। मून इस पर आपके 11वें 12वें और फिर जनाब आपके असेंडेंट में जो है वो मूव करेगा। स्पेशली 30 से 2 तक आपके ख्वाब बहुत अहम होंगे, इन पर फोकस कीजिएगा। आपकी तवज्जो जो है वो पहले 2-3 दिन जो है वो अपने घर अपनी की तरफ जो है वो रहेगी। मैं आपको स्पेशली कहूँगा 30, 31 और 1 ये 3 दिन अपनी प्रॉपर्टी और जगह की तब्दीली से आपको गुरेज करना है। आपके बच्चों के हवाले से कुछ मामला तब बेहतर नहीं है। सन जो है वो आपके जायचे के 10वें जो है चला गया और नेगेटिव गया है कैप्रिकॉर्न में, ये नेगेटिव गया है। यहाँ पे मैं कुछ बताता चलूँ, पिछली बार मेरी एक वीडियो पे आई थिंक सेगिटेरियस की थी या कैप्रिकॉर्न की थी, कैप्रिकॉर्न की, तो उस पे था कमेंट थे कि जी कुछ एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं कि जुपिटर चूँकि आपके असेंडेंट में आ गया है तो ये आपको फ़ायदा देगा। यही पोजिशन यहाँ पर बन रही है, सन आपके कैरियर के घर में आया, लेकिन आप ये तो देखिए उसकी हालत क्या है। मतलब एक तंदुरुस्त शख्स अगर आपके घर में आएगा तो वो तो आपको कोई फ़ायदा दे सकता है, एक बीमार पर्सनैलिटी अगर आपके घर में आएगी तो वो आपको कोई फ़ायदा दे सकेगी या आपको उल्टा उसकी तीमारदारी करनी पड़ेगी? ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। तो मैं चूँकि प्रैक्टिकल में 14 साल से कर रहा हूँ इसलिए मुझे पता है कि ये जब नेगेटिव है, जब उसमें पावर ही नहीं है, वो नेगेटिव है तो वो आपको क्या देगा? सिर्फ ये बात कि वो आपके 10वें घर में आ गया तो कैरियर को बूस्ट मिल जाएगा, बाम मिल जाएगा, ये हो जाएगा, ये सिर्फ बातें हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल मैं आपको बता चुका, अगर ये यहाँ पे शर्फ की हालत में आता, औज की हालत में आता, फ़र्क की हालत में आता, मैं आपको कहता जी आपको बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन अगर ये वहाँ पर नहीं आ रहा तो फिर अच्छी हालत में नहीं है तो फिर ये आपके कहीं भी आ रहा है, ये आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं दे सकेगा।
प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, ये आपको बेहतर अंदाज में, तो ये आपके लिए एक मिला जुला हफ्ता है। आपकी मंगनी तय पाने के इम्कान अब इंतहाई कम हो चुके हैं, इसी तरह आपकी शादी तय पाने के कभी इम्कान मौजूद हैं, और इस वक्त शादी करना आपके लिए जो है वो काफ़ी फ़वाद का हामिल भी होगा। तो मैं अगर देखूँ तो ये आपके लिए एक मिला जुला हफ्ता है, और साल की इब्तदा जो है वो कुछ लिहाज से बहुत अच्छी हो रही है, स्पेशली मार्स की जो चेंज है वो आपको बहुत कुछ देगी। और इस वक्त अगर आप कोरल यानी कि मरजान, याकूत या सुर्ख हकीक पहनेंगे तो वो भी आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल जो है वो साबित होगा। तो मजमूई तौर पे आप इसको अगर थोड़ा प्लान करके अपने वक्त को गुजारेंगे तो यह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है दे सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करता चला जाऊँ, आपको करियर रोज़गार के हवाले से कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं करना, स्पेशली अपनी जॉब स्विच करने से इस वक्त आपको जो है वो गुरेज करना है। उम्मीद करता हूँ मेरी फ्राहम करदा मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा ताकि बर वक्त आपको तमाम वीडियोज़ मिल सकें। इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।